डियर स्टूडेंट्स, 63वीं बीपीएससी देने के बाद अगर आप सोच रहे थे कि आपको थोड़ा रेस्ट लेने का समय मिल गया, तो आप जल्द से जल्द इस भूल का सुधार कर लें। साथ ही वे स्टूडेंट्स जो नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे, उसके लिए उम्मीदें लगाए बैठे थे, उनके लिए खुशखबरी ये है कि 64वीं बीपीएससी की वैकेंसी आज जारी हो गई। बिहार के अधिकतर अखबारों में आज आयोग ने, बिहार लोक सेवा आयोग ने 64वीं की वैकेंसी के डिफरेंट पोस्ट्स के साथ इस वैकेंसी के अलग अलग तथ्यों की घोषणा कर दी। इसके अलग अलग डेट्स कौन से होंगे, कौन से पोस्ट्स होंगे और किस तरह से ये एग्ज़ाम आयोजित होगा, सारे डिटेल्स आज के अखबारों में आ चुके हैं। तो अगर आपको खबर नहीं है तो आप सावधान हो जाएं, 64वीं की वैकेंसी आ चुकी है। आइए देखते हैं इसके अलग अलग पोस्ट्स कौन कौन से हैं और किस तरह से ये वैकेंसी किन रूपों में जारी हुई है। टोटल 1200 से भी ज़्यादा, 1250 से भी अधिक सीटें होंगी ऐसा माना जा रहा है टोटल। इसमें अलग अलग पोस्ट इस रूप में सामने आ रहे हैं। कुछ मुख्य पोस्ट जो मेन जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर हमने लिया है। राजस्व अधिकारी का देखिए 571 सीट है, यानी फाइनेंस ऑफिसर के सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। उसके बाद आपूर्ति निरीक्षक यानी सप्लाई इंस्पेक्टर का नेक्स्ट 233, 122 सीट प्रखंड कल्याण पदाधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड पंचायती राज अधिकारी 133, ग्रामीण विकास पदाधिकारी RDO रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर RDO 51, वाणिज्य कर पदाधिकारी यानी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर 34, कारा अधीक्षक यानी जेल सुपरिटेंडेंट के 7 पोस्ट हैं, बिहार पुलिस सेवा यानी DSP के टोटल 40 सीट्स हैं। 1200 से भी ज़्यादा सीटें इसमें आ गई हैं, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। पिछले कई सालों में आयोग ने इतनी बड़ी वैकेंसी अभी तक जारी नहीं की थी। अगर कुल मिलाकर देखें तो पिछले साल 355 और उससे भी पहले सीटों की संख्या 1000 से नीचे ही रही है, तो ये बड़ी वैकेंसी है। इसके लिए आपको अब जुट जाना है। इतनी बड़ी वैकेंसी अब आने वाले समय में भी शायद ना दिखाई दे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वैकेंसी के लिए सारे डेट्स घोषित कर दिए गए हैं। कल से ही फॉर्म भरने के डेट्स निकाल दिए गए हैं। 3 अगस्त से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसका जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त जारी किया गया है। 20 अगस्त लास्ट डेट होगा, आप फी जमा कर सकते हैं 24 तक और सारा ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो 31 अगस्त तक समाप्त हो जाएगा। मतलब ये कि जल्द से जल्द आयोग चाह रहा है कि इस एग्ज़ाम को वो कंप्लीट कर ले। इस रूटीन से जो सारा प्रोसेस जो निकाला गया है उससे अंदाज़ ये लग रहा है कि आयोग इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की सोच रखता है। चूँकि कल से ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और 20 अगस्त तक ही लास्ट डेट दिया गया है। हालांकि आप जो फी वगैरह है वो 24 तक और फाइनल प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी कर सकते हैं। आयोग के इस हड़बड़ी से ये मानसिकता का पता चलता है कि आयोग जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करेगा। होपफुली नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम आयोजित हो जाएगा। मतलब ये कि 64वीं बीपीएससी के लिए आपके पास अब सांस लेने का फुर्सत नहीं है। ये अच्छी बात है कि 64वीं के लिए हम लोगों ने बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी और वो त्वरण, वो एक्सेलरेशन जो हम लोगों ने पाया है वो कहीं ना कहीं आपको काम देगा। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है वो जुट जाएं बिना ये सोचे कि वो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। तैयारी अभी आपके पास जो भी किताब है उससे शुरू कर दें। आगे हम लोग बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को किस तरह से, किस स्तर पर, किस तरह की किताबों के साथ, किस प्रोसेस से हम लोग इसे क्रैक करेंगे। आप अपना टाइम फ्रेम बांध लें, रूटीन बंद कर लें अपने आप को, चौक चौराहे पर घूमना छोड़ दें और जो समय नहीं निकाल पा रहे हैं वो अपना रूटीन टाइट कर लें, क्योंकि ये इतना बड़ा मौका ऑफिसर बनने का बार बार नहीं मिलेगा। एक मौका आपको मिला पिछले दिनों, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये सोचा कि थोड़ी सी तैयारी और कर लेते, तो ये अब नहीं करना है। आप अपने आप को बांध लें, रूटीन बंद कर लें, बहाना अब नहीं चलेगा, बड़ा मौका आपको मिला है। दूसरी तरफ आयोग ने जो उसके फोर्थ कमिंग जो रिजल्ट्स हैं, पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके लिए भी आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है कि फाइनल जो 56वीं से 59वीं है, ये देखिए 3 एग्ज़ाम
पेंडिंग है पहले से ही और इसने चौथा एग्जाम को जारी कर दिया है। मतलब ये कि आयोग पर दबाव है वो जल्द से जल्द एग्ज़ाम को कंप्लीट करे, सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ये आदेश इसे मिला होगा। 56वीं से 59वीं का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपको अगस्त सेकंड वीक तक। दूसरी तरफ 60 से 62वीं जिसका मेंस हो चुका है वो उसका रिजल्ट सितंबर फर्स्ट वीक तक आप आ जाएगा रिजल्ट। और 63वीं PT जो लास्ट मंथ ही कंप्लीट हुआ 1 जुलाई को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो रिजल्ट आ जाएगा सितंबर के सेकंड वीक तक। ये सारा प्लान आयोग ने एक साथ जारी कर दिया है और नीचे ये सारे तथ्य हैं, पीछे सीटों की संख्या है, आयोग की तैयारी, आयोग की का जो मंशा है वो जारी हो चुका है, समझ में आ गया है ये कि आयोग जल्दबाजी में है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है। आप अपने आप को बांध लें तैयारियों में और उससे पहले जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी कर लें। फॉर्म भरने की प्रक्रिया आप कल से शुरू हो रहा है, जितना जल्दी हो सके फॉर्म को आप फिलअप करके इस टेंशन को दूर कर लें ताकि आपका फिर फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर हो। तो लग जाए तैयारी के लिए, आयोग ने इतना बड़ा मौका आपको दिया है अधिकारी बनने का। आप अभी तक ये सोच रहे थे कि वैकेंसी आ जाती, लेकिन देखिए हमने आपको पहले से ही कह रखा है कि 64वीं की वैकेंसी जल्द से जल्द आएगी। वैकेंसी आ गई और तैयारी हम लोगों ने जो पिछले महीने से हम लोगों की चल रही है उसका बेनिफिट ज़रूर हमें मिलेगा, वो मोमेंटम जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं काम आएगा। लेकिन जो भी तैयारियों में अब तक कमी छोड़ रहे हैं, शुरुआत नहीं कर रहे हैं, टाइम फ्रेम में अपने आप को नहीं बांध रहे हैं, फिर उनके लिए नुकसान होगा। ये समय इतना नहीं मिलेगा कि आप किसी पश्चाताप को में सुधार करें, कोई गलती ऐसा कर दें कि सुधार के लिए आपको मौका मिले, इतना समय आपको नहीं मिलने वाला है। 3 से 4 महीना में प्रीलिम्स हो जाएगा, 3 से 4 महीना कम पड़ता है इतनी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। मतलब ये कि आपको अपनी तैयारी के घंटे को बढ़ाना होगा, आप अपनी तैयारी के जो घंटे हैं उसको बढ़ा लें। मतलब ये कि अगर आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4-5 घंटे कर लें। खासकर वैसे जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो ये सोचें कि उनको अपनी तैयारी को कैसे बांधना है, कैसे अपने आप को टाइट करना है इस एग्ज़ाम के शेड्यूल में। और लेडीज़ जो घर गृहणियाँ हैं, जो काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, महिलाएँ हैं, छात्राएँ हैं, बड़ी संख्या में हैं इस तैयारी के लिए, उनके लिए अब समय नहीं है। तो लग जाएं, अपने आप को बांधें। हम लोग आगे के एपिसोड्स में इसके बारे में सारी चर्चाएं करेंगे और सिलेबस को भी देखेंगे कैसे आगे बढ़ेगा और ये पूरा कवर कैसे होगा, इस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो आप तैयार हो जाएं, पहले फॉर्म भर लें, उसके बाद हम लोग आगे के प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का ये डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। आप जल्द से जल्द अपना काम पूरा करें और तैयारी में लगें। हम लोग आगे देखेंगे के पूरे सिलेबस को कैसे हम लोग कवर करेंगे। अपना ध्यान रखें, जल्द से जल्द अपने आप को मोटिवेट करके काम में लग जाएं, तैयारियों में जुट जाएं। मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।